हाय, मेरा ये वीडियो डिसीजन मेकिंग पे है। एक मेरे दोस्त ने बताया था कि आप एक डिसीजन मेकिंग की वीडियो बनाओ कि डिसीजन मेकिंग में हम क्यों कतराते हैं, कई बार हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम डिसीजन लेते फिर भी घबराते हैं, या डिसीजन लेने से घबराते हैं, डिसीजन लेने के बाद भी घबराते हैं। तो मेरा ये वीडियो उसी पे है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और एक मेरा खुद का अनुभव बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन हमको जिंदगी में कई 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 बार कई पहलुओं पे डिसीजन लेना पड़ता है, पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपना घर लेने के लिए, शादी के लिए, इवन जब आप काम कर रहे, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, तो उसमें डे टू डे डिसीजन मेकिंग बहुत आते हैं। और हम कभी कभी घबराते हैं कि ये मैंने डिसीजन लिया और इसका कुछ गलत अंजाम आया, वो बराबर सही नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं, क्या लगता है कि आप कैसे सही डिसीजन ले सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्व करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जरूरी होता है कि आपके पास उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो, घर लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो कौन सा एरिया अच्छा है, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके पीछे। बड़े बड़े डिसीजन के लिए बड़े एफर्ट्स लगते हैं, छोटे डिसीजन के लिए छोटे एफर्ट्स लगते हैं। जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना लॉस नहीं कर रहे, वैसे डिसीजन में आप ज़्यादा ज़्यादा ना सोचे और वो डिसीजन फटाफट आप ले सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आपका स्टेक है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं, जैसे कि जॉब चेंज करना, जैसे कि जिंदगी के कुछ पर्सनल डिसीजन लेना, कि जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा, तो वहाँ पे यू नीड टू थिंक वेरी वेल, बहुत डीप में थिंकिंग करके ले सकते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ सकते हो, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, जो उस क्षेत्र में वो फील्ड में नॉलेजेबल है उससे पूछ सकते हो। एक खुद का एक अंदर का आवाज होती है कि मुझे ये करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको पता है कि मैं ये करूंगा तो बराबर होगा, लेकिन मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए कि कोई ये बता दे कि हाँ बराबर, तुम जो करने वाले हो बराबर होगा। इस चीज के लिए हमको खुद को कंफर्मेशन के लिए कई बार किसी का ओपिनियन चाहिए होता है। तो क्या कर सकते हैं कि जो आप जानते हो, जिनको आप जानते हो, कि जिसने ऑलरेडी वो काम कर चुका है, जिसके पास उस चीज का नॉलेज है, तो आप उनसे ओपिनियन ले सकते हो, अपना खुद का अंतर की आवाज सुन सकते हो, आपके खुद के पास क्या रिसोर्सेस है वो चीज करने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए, बेसिस दैट यू कैन डिसाइड कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। सी, कोई भी डिसीजन 100% परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। चीजें 50 इट्स अबाउट ऑल 50-50%, आपका सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, लेकिन गलत जाएगा ये सोच के आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो उससे भी बुरा होगा। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि जब भी आप किसी चीज को डिसाइड करना है तो सबसे पहले अपने अंतर की आवाज सुनिए, आपके पास क्या रिसोर्सेस है, आप कितना अपना रिस्क ले सकते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो तो उसके रिलेटेड कौन एक्सपीरियंस है, कौन अच्छा पर्सन है, कौन आपका नोन वन है जो आपको सही से गाइड कर सके, उससे आप सलाह लीजिए। इतना करेंगे तो आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा संभव है कि वो सही होगा। और गलत भी हो जाए तो डरिए मत, जिंदगी बहुत बड़ी है, एक डिसीजन गलत हो गया उससे जिंदगी खराब नहीं होती, जिंदगी समाप्त नहीं होती, बहुत सारे और मौके मिलते हैं कि जब आप अपना काम सही से फिर से उसको आप ठीक कर सकते हो। यही मेरा अनुभव है, होगा, मानता हूं कि वो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर रियली लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू।